हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, यहाँ पर हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सो नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग तो होगी, एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। मेरी सभी वीडियोस टाइमलेस होते हैं। ओके, सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और जिनके लिए आपको ये रीडिंग देखनी है उनके बारे में एकदम पॉजिटिव रहना है, रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम टैरो डेक देखेंगे, फिर हम आगे बाकी डेक का यूज़ करेंगे। स्प्रिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। एट ऑफ सोर्स करंट एनर्जी, सो नेक्स्ट सेक्शन क्या है। ओके, बातचीत यहाँ पे बंद भी हुई थी कमिटमेंट को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ साथ आपके पार्टनर ने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया था। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप इस रिश्ते में कमिटमेंट तो चाहते ही थे, ठीक है। साथ में आपने काफ़ी टाइम दिया इस रिश्ते को। ओके, और आपको हमेशा कोई भी फ़ोन आता है, आपको फ़ोन पर कोई भी कॉल आती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की कॉल है, ठीक है। एट ऑफ सोर्ट्स, देखिए गाइस, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे ना, मेरे पार्टनर कब आएगा, कब कॉल मैसेज आएगा, तो ये कब वाली चीज़ हटा दीजिए। ओके, वेट करना है, आराम से वेट कीजिए आप, क्योंकि काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन वो कब वाली एनर्जी, वो कब वाला जो वो ये क्वेश्चन होता है ना, ये बिल्कुल हटा दीजिए। अगर सोचना है तो इस तरीके से सोचिए, मेरे पार्टनर का कॉल मैसेज आ गया हुआ है, हम लोग बात कर रहे हैं, एनर्जीज थोड़ी अलग है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। सिक्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, जो भी आपके पार्टनर ने बुरा भला कहा है आपको, उस सभी के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। यह जो उन्होंने आपके साथ किया, आपके साथ रहते हुए भी इस रिश्ते में उन्होंने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर भी वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था इस रिश्ते में होते हुए भी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कंफर्म है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, भले से वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए हों, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा हैवी दिखाई दे रही है। ओके, या तो आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ रिचुअल्स किए हैं और वो सारी चीज़ें आपके वर्क कर रही हैं, हो सकता है इन चीज़ों को वर्क करने में थोड़ा टाइम लग जाए। ओके, और जो कोशिश आप कर रहे हैं अपने पार्टनर से कमिटमेंट लेने के लिए, वो सारी चीज़ें, वो सारी कोशिश आप करते रहें। जो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं उन्हें कोशिश करना है, क्योंकि आपके पार्टनर जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी सिचुएशन में, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ख़ासतौर पर ये बात सामने आ रही है कि आपके पार्टनर उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो भी पार्टनर आपके पास, आपके पार्टनर की लाइफ में जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। हाँ, फाइव ऑफ वॉन्ट्स, ये चीज़ सही है, आने वाले समय में आपके पार्टनर का उस पर्सन के साथ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होने वाला है। आने वाले कुछ टाइम में आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ किसी रीज़न से हैं, या तो थर्ड पार्टी ने उन्हें कोई लालच दिया है। ऐसा होता ना कि अगर वो किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, या फिर वो किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो उन्हें सपोर्ट करने की वजह से उन्हें अपने साथ रखा जा रहा है। लेकिन वो जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर के लिए लॉयल बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से उसको आपके पार्टनर को वो मेंटली और फिज़िकली यूज़ कर रहा है। ये एनर्जीज क्यों है मुझे नहीं पता। ओके, यहाँ पे मैं बस ओके एक कार्ड रोल लूँगी क्योंकि मैंने डेक शफल कर लिया हुआ है। ओके,
यहाँ पे आपके पार्टनर पूरी तरह से इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। इन्हें भी आपको बताया था कि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं यूज़ कर रही है। आपके पार्टनर का पूरा ध्यान इस वक्त अपने करियर पे तो है ही, करियर के साथ साथ उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ से भी उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए, वो करियर में है, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो वहाँ से सपोर्ट लें उस पर्सन का, उन लोगों का, जहाँ पे भी उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा वो आगे बढ़ सकें, करियर में आगे बढ़ सकें, फोकस्ड रह सकें यहाँ पर, ठीक है। हालांकि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि जो कोई भी उन्हें कुछ कह देता है वो उसकी बातों में ज़रूर आ जाते हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ओवर स्मार्ट बहुत ज़्यादा हैं, जो लोग ओवर स्मार्ट होते हैं उनको कोई भी जल्दी ही उनको अपनी बातों में ले लेता है, क्योंकि वो सामने वाले को अपनी कमज़ोरी जल्दी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ध्यान से उसी पर्सन की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे जिसने उनको कुछ भी सपोर्ट देने की या कोई लालच देने की कोशिश की, सॉरी लेकिन ये चीज़ कार्ड्स में दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर गए थे यहाँ से आपके पास से, तो उन्हें लगा था कि वो बहुत अच्छी एनर्जी में चले जाएंगे, उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एट ऑफ कप्स, वो आपका प्यार ठुकरा के चले गए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन था और आने वाले समय में होगा भी, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है बॉटम की। उनके जाने से आप भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए और दिल आपका भी टूटा और उनका भी टूटा है। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके पार्टनर के कॉल और मैसेज आपकी तरफ बहुत जल्दी आ सकती हैं यहाँ पर, और ये भी हो सकता है कि रिश्ता कहने को ख़त्म हो गया लेकिन आप दोनों अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपने एक दूसरे को ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं किया है। ओके, एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे वीडियोस लाइक करना या व्हाट्सएप स्टेटस देखना, कुछ ऐसे सिचुएशन है। आप में से कोई ऐसा पर्सन भी मेरी रीडिंग देख रहा हो सकता है जो सिर्फ किसी एक पर्सन को प्यार करता है, आप लोगों ने अभी जाहिर नहीं किया है उस पर्सन के ऊपर प्यार अपना, ठीक है। ये एनर्जीज भी हैं, क्यों है नहीं पता। ओके, एट ऑफ वॉन्ट्स है, यहाँ पे बात हो सकती है आपके पार्टनर से आपके कुछ समय में, ठीक है। यहाँ पर जो कमिटमेंट आपको चाहिए था, जो साथ चाहिए था, जो मजबूती इस रिश्ते में चाहिए थी, एक झगड़े एक सेपरेशन के बाद में वो वापस से शुरू हो जाएगी। टाइम की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस रिश्ते में, क्योंकि जो पास्ट लाइफ कर्मा से वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, वो अब आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रहे हैं या आपके पार्टनर की लाइफ में से, दोनों की लाइफ में से जब वो पास्ट लाइफ कर्मा हट जाएंगे तो आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो हमें दिखाती है, आपके पार्टनर ज़रा उलझी हुई सी एनर्जी में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो जिस भी रिश्ते में है वहाँ पे अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कैसे भी इस रिश्ते में से निकल जाना चाहते हैं, उस रिश्ते में जो भी जिम्मेदारी है उनकी या जो भी प्रॉमिसेज है उनसे पीछे हटकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो ये जानते भी हैं कि जितनी मदद आप करते हैं, जितना सपोर्ट आप करेंगे, वो कोई लालच दिया हुआ पर्सन नहीं कर सकता है, लेकिन उनको ये बात समझ आने में थोड़ी देर लगेगी। जैसे ही ये बात समझ आता है कि वो आपकी तरफ आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों में आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करने वाले हैं आपके पार्टनर। या तो फाइनेंशियली कुछ उनको लॉस होगा तो ये वो आपसे हेल्प मांग सकते हैं, या फिर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ होगा वो आपको कॉल मैसेज करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन अगर आप लोग रात को सो भी नहीं पा रहे हैं तो ये गलत बात है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लास्ट नाइट, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे पता नहीं कितने समय बाद, उस रात को हो सकता है आप लोग थोड़े से बेचैन रहे हों, ठीक से नहीं सो पाए हों, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने पार्टनर की और आपने सोचा कि वो सही जगह पर नहीं है, सही रिलेशनशिप में नहीं है वो सामने वाला। ये बात आप भी जानते हैं कि वो पर्सन आपके पार्टनर को या तो फाइनेंशियली या तो फिज़िकली यूज़ कर रहा है इसे, ठीक है। ये भी क्लियर है कि आपके पार्टनर आने वाले समय में आपको कमिटमेंट तो देंगे ही, और आप एक फेमिनिन एनर्जी में, क्योंकि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आप हमेशा दूसरों का प्यार रिसीव करते हैं, जितना प्यार आप स्प्रेड करते हैं उतना रिसीव भी करते हैं। आपको ऐसा लगता है आपके आसपास जो भी लोग हैं वो हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आपसे कोई भी हेल्प मांगने की कोशिश करता है बहुत जल्दी उसको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर अगर आप हेल्प नहीं भी कर सकते तो उस पर्सन को आप सही गाइड करते हैं, ठीक है। आप एक प्योर सोल तो हैं ही, साथ में आपकी एनर्जीज बहुत प्योर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट तो करते ही हैं, ठीक है, आपको खोना भी नहीं चाहते। अगर वो इस एनर्जी से निकल गए जिसमें भी वो ट्रैप हैं आपके पार्टनर, तो सीरियसली आपके पार्टनर आपको जितना अप्रिशिएट करते हैं उतना आप सोचते नहीं होंगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी काम में आप जाते हैं,
परफेक्ट तरीके से आपको वो काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो काम टाइम पर होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। आप लोग का लाइफ पार्ट नंबर 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, ओके, आपका या आपके पार्टनर का। ओके, यहाँ पे खोना तो चाहते नहीं हैं आपके पार्टनर, साथ में आप या आपके पार्टनर किसी क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, वो जो भी पर्सन है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो पर्सन पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में दिख रहा है वो पर्सन। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ट्स जो हमें दिखाता है कि आपके पार्टनर का इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा झगड़ा बहुत जल्दी झगड़ा होने वाला है, उनके बीच में दूरियाँ बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो चाह रहा है अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर पे, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें ये भी समझ आ जाएगा कि जो थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर को यूज़ कर रहा है। ओके, चलिए हम दूसरे कार्ड से भी आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, द गार्डनर, आपके पार्टनर को ये समझ आ जाएगा या फिर समझ आ गया है कि जितना पॉजिटिव या जितना सक्सेसफुल आपके पार्टनर को आप बना सकते हैं या आप उनकी ज़िंदगी में खुशियां ला सकते हैं, उतना कोई और नहीं ला सकता। बहुत जल्दी आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आ जाएगी। और आप, मैंने भी आपके बारे में आपके एनर्जीज भी बताई थी कि आपकी एनर्जीज इस तरह की हो सकती हैं कि आप हमेशा दूसरों को पॉजिटिव करते हैं, आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ओके, और आपको गार्डनिंग का भी बहुत शौक हो सकता है, या फिर आपने अपने घर में बहुत सारे कलर के प्लांट्स लगाए होंगे जिसमें कलरफुल फ्लावर्स आते होंगे, या रिसेंटली कुछ फ्लावर्स आए होंगे, पर्पल हार्ट होगा आपके घर में, या रोजेज़ होंगे, रेड और वाइट कलर के रोजेज़ होंगे, ठीक है, इस तरीके के कुछ प्लांट्स, या आप ओप्स आपके आसपास कुछ ग्रीनरी होगी बहुत ज़्यादा। इंटीमेसी, आपके पार्टनर बहुत जल्दी ही आपके पास तो लौट कर आएंगे, साथ में उनको के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या फिर आप लोग एक प्यारा सा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ में। ओके, यहाँ आप दोनों ने कभी कैंडल लाइट डिनर प्लान किया होगा, या फिर आप दोनों गए भी होंगे कैंडल लाइट डिनर के ऊपर। द सिल्वर वाटरफॉल, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, सभी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग गाइस क्रिएटिव फील्ड से हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं बाहर जाने का प्लान करेंगे अपनी सिटी से, और वहाँ पे फ़ोटोशूट करेंगे बहुत खूबसूरत सा। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है आप दोनों की। ओके गाइस, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो एकदम पॉजिटिव रहें, अपने पार्टनर का इंतज़ार करें, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ लौट कर ज़रूर आएंगे। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।